पन्ना के पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आंचलिक क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। शासन द्वारा स्वास्थ्य को लेकर अनेकों प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र के भवन में जगह का अभाव होने के कारण बहुत ही योजनाएं सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस समस्या के निवारण के लिए आम जनता द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से जनप्रतिनिधि एवं शासन का समय समय पर ध्यान आकृष्ट कराया गया। विधायक प्रहलाद लोधी के अथक प्रयासों से 50 बिस्तरों वाले सर्व सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति कराई गई एवं स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए भूमि प्रस्तावित की गई। बीते दिनों मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड भोपाल की टीम द्वारा उक्त भूमि का निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि को अज्ञात कारणों से सर्वे टीम द्वारा उपयुक्त नहीं समझा, साथ ही वर्तमान में संचालित भवन को तोड़कर वहीं निर्माण कार्य को लेकर कहा कि जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर वासियों ने नगर परिषद अध्यक्ष के साथ कलेक्टर संजय कुमार मिश्र से चर्चा की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रस्तावित जमीन पर निर्माण कराए जाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहीं और निर्माण कराए जाने का विरोध किया। इस पर कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने कहा कि बिल्डिंग का नक्शा बनने के बाद सर्वे करके निर्णय लिया जाएगा। निश्चित ही जो अस्पताल है, चूंकि सिविल हॉस्पिटल रहेगा तो गरीबों का सबका इलाज के लिए जरूरत होगी। जो जिनके पास गाड़ी या बाकी चीजें नहीं, उनको सक्षम भी नहीं है, तो उनको अस्पताल आसानी से उनकी पहुंच में रहे, या स्टाफ जो यहाँ पे काम करेगा उनकी तीनों शिफ्ट में वो काम करेंगे तो रात में अपनी ड्यूटी चेंज करके अपने घर जा सके।